बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप देख रहे हैं एक क्यू टीवी और मैं हूं गुलफाम अली हुसैनी, तालब इलम हूँ इल्मुल हर्फ व अदद का। नाज़रीन इकराम, बहुत ही मुबारक ज़िल हज की तारीख 25 ज़िल हज, 25 ज़िल हज। इस दिन नज़ूल है सूरह हल अता, यानी सूरत इंसान का, यानी सूरह दहर का। ये 16 अगस्त को होगा और आसमान पर नज़र बड़ी खूबसूरत है। ये मरीख और शम्मस की नज़र तसलीस है और अतारद मरीख की नज़र तसलीस है। बहुत ही खूबसूरत नज़रें हैं और ये माल और दौलत के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है और बद असरात से कामिल हिफाजत के लिए, बख्त कुशाई के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, गुरबत ख़त्म हो जाएगी नाज़रीन इकराम, और नाराज़ व ज़ैन में मोहब्बत के लिए, सुलो सफाई के लिए बहुत अच्छा अमल है। नाज़रीन इकराम, आपने कुरान से सूरह दहर पढ़नी है। सूरह दहर जो है बात वार तलावत, ये 76 नंबर पे है और नज़ूल इसका 98 नंबर पर है। आयात इसकी 31 है और रकू इसके 2 हैं। नाज़रीन इकराम, आपने इस वक्त 25 ज़िलहज को आप बावजू हो के सूरह ताहर को, सूरह यूसुफ़ को 4-4 मरतबा पढ़ लें। नाराज़गी ज़ोजैन के लिए बहुत बड़ा अमल है और अगर आप कारोबार के लिए, तरक्की कारोबार के लिए पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ़ सूरह ताहर ही आप 4 मरतबा पढ़ लें। और ये अमल आप 25 ज़िलहज को नमाज फजर या नमाज इशा के बाद कर सकते हैं और किसी भी चाँद की आप 25 तारीख को ये अमल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे सूरह यूसुफ़ और सूरह ताहर का 25 ज़िलहज को लो बनवाना चाहें तो आप हमसे राबता कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए असरार अमल के साथ। मुझ गुलफाम हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निकेवा।